वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। प्रॉब्लम 17 सर्कुलर लूप है 2 सेंटीमीटर का। उसको कंसेंट्रिक रखा गया एक लार्ज सर्कुलर लूप से 1 मीटर के रेडियस से। वो कहता है लार्ज लूप के अंदर करंट चेंज हो रहा है 200 से -200 कितने टाइम में, 1 सेकंड में, और टाइम जीरो से लेना है। वो कहता है बी की वैल्यू बताओ, बी का मैग्नीट्यूड बताओ जब टाइम जीरो होगा, 0.5 होगा, 1 सेकंड होगा। फिर वो कहता है जब टाइम 1 से 1 सेकंड होता है क्या बी रिवर्स होता है कि नहीं होता। फिर वो कहता है इनर लूप का एरिया स्मॉल ले लो और आपके पास बी उस एरिया पे यूनिफॉर्म है, तो बताओ कितनी EMF 0.5 सेकंड में इंड्यूस्ड होगी। अब हम जानते हैं कि भाई करंट है आपके पास टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो मैं एक टूल बना लेता हूँ आई नॉट प्लस के टी। के यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे हम लेंगे कि उसके रेट का जो चेंज होगा, कांस्टेंट रेट जो आएगा ना वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास हमें पता है एक्सट्रीम -2 है, इनिशियल 200 है, के की वैल्यू पता नहीं, टाइम कितनी देर में ये होगा 1 सेकंड। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो -400 एम्पियर पर सेकेंड आ जाएगा, तो हमें वो कॉन्स्टेंट रेट पता चल गया। अब आपके पास वो कहता है कि जब टी जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, तो म्यू नॉट आई ओवर 2R लग जाएगा। म्यू नॉट भी पता, आई भी पता है 2R, रेडियस बड़े का 1 मीटर है, तो 1.26 × 10⁴ टेस्ला हो जाएगा। अब जब 0.5 सेकंड गुजरेंगे तो हमें के भी पता है, टी भी पता है, वो वैल्यूज प्लेस करेंगे के की और टी की, तो आपके पास -4 था तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर 1 सेकंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, तो वो 1 सेकंड पे वैल्यू डालेंगे -1.26 × 10⁴ टेस्ला आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में ये जितना ही है जितना इस पे, मगर डायरेक्शन में अपोजिट आ गया, ठीक है। अब सवाल का अगला हिस्सा था कि 1 सेकंड के बाद क्या बी रिवर्स हो जाएगा, तो हमें पता है कि बी की डायरेक्शन -7 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, फ्लिप कर दिया। अब फिर अगली चीज कहता है कि आपके पास जो इनर लूप का स्मॉल एरिया है उसमें कितनी ईएमएफ आएगी 0.5 सेकंड में। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि भाई आपके पास फैराडे लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस जीरो आ जाएगा, यहां से नेगेटिव साइन आ जाएगा डी बी ओवर डी टी, हमने ये टाइम कितना लेना है 0.5 सेकंड उसने कहा, तो हम जानते हैं स्टार्टअप इतना था, 0.5 सेकंड के बाद बी इतनी थी, तो बी की चेंज हमने फाइनल माइनस इनिशियल करके 0.5 लगाया, तो 5.08 × 10⁻⁸ वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा 0.5 सेकंड के बाद। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।